अगर आप लोग एक एकेडमी से डायरेक्टली एक इंडियन सुपर लीग के क्लब में खेल रहे हो तो बहुत ही बढ़िया चांस है आप लोगों के लिए। जो प्लेयर्स अपना फुटबॉल में कैरियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, उनके लिए टाटा फुटबॉल अकेडमी बेस्ट है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा फुटबॉल अकेडमी के बारे में, TFA के बारे में। सो दोस्तों आप सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा पूछा था कि TFA के बारे में बताओ, टाटा फुटबॉल अकेडमी को कैसे ज्वाइन करें, इसके ट्रायल्स क्या है उसके बारे में डिटेल्स दो। पिछले महीने मैंने जो वीडियो बनाई थी बेस्ट फुटबॉल अकेडमीज इन इंडिया, उसमें भी टाटा फुटबॉल अकेडमी का नाम था, उसमें भी आपका कमेंट्स आया था कि इसके बारे में बताओ। देन थोड़े दिन पहले मैंने जो क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो बनाई थी उस पर भी आप लोगों ने बहुत पूछा, एंड मेरी और भी जो वीडियोज है उसमें भी काफी लोगों ने पूछा है टाटा फुटबॉल अकेडमी, टाटा फुटबॉल अकेडमी। तो यार अब टाटा फुटबॉल अकेडमी के ऊपर वीडियो आ चुकी है, तो इसको एंड तक देखना। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो टाटा फुटबॉल अकेडमी के बारे में आज मैं इसमें इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो मैंने कहाँ से निकाली है। तो दोस्तों एंड मैंने टाटा फुटबॉल अकेडमी की वेबसाइट से भी काफी इन्फॉर्मेशन निकाली आप लोगों के लिए। सो इस वीडियो में मतलब इस वीडियो के लिए काफी टाइम लगा है मेरे को इन्फॉर्मेशन ढूंढने में, एंड जो भी इसमें मतलब वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो भाई सपोर्ट करना, इस वीडियो को शेयर करना है अच्छे से, अभी जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड जब वीडियो खत्म हो जाए पूरी वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, इंस्टा पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर करना है। यार बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, तो इसको अच्छे से शेयर करना है। एंड दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। एंड दोस्तों जो कि एंड मेरी आईडी को भी आप फॉलो करो, मुझे भी khush_freestyle मेरी आईडी है, स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। आपका जो भी डाउट है ट्रायल से रिलेटेड, टूर्नामेंट से रिलेटेड किसी, या फिर आपको टाटा फुटबॉल अकेडमी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अब हम बात करते हैं टाटा फुटबॉल अकेडमी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट TFA, टाटा फुटबॉल अकेडमी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे फैसिलिटीज की, कि टाटा फुटबॉल अकेडमी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे उन प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने टाटा फुटबॉल अकेडमी से आगे बहुत अच्छे लेवल पे खेले, जो मतलब पहले टाटा फुटबॉल अकेडमी में खेलते थे उसके बाद वहां से वो बहुत अच्छे लेवल पे खेले हैं, जैसे कि इंडियन सुपर लीग में या फिर इंडियन फुटबॉल टीम में। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे कि आपके मतलब जो ट्रायल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि एक ट्रायल होता है वो होता है स्पेशल ट्रायल, उसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है टाटा फुटबॉल अकेडमी में, अगर आपको जाना है तो उसके लिए सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फीस है। तो दोस्तों फीस के बारे में तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि फीस इसमें है बिल्कुल जीरो, आपको कुछ भी नहीं देना अगर आपको एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो, क्योंकि जो जीरो है। बट काफी लोगों को ये आ रहा होगा कि यार मतलब फीस जीरो कैसे हो सकती है, कुछ भी क्यों नहीं ले रहे वो, तो इसका खर्चा देता कौन है, मतलब उसमें जो एक्सपेंसिस होते हैं वो देता कौन है। तो दोस्तों जो टाटा जो टाटा कंपनी है, टाटा स्टील्स कंपनी है, वहां से इसका सारा जो एक्सपेंसिस होते हैं प्लेयर्स के और जो टीम मतलब वो कोचेज वगैरह के, वो सारा टाटा स्टील्स कंपनी देती है। सो इसलिए इसकी फी बिल्कुल जीरो है प्लेयर्स के लिए जो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। देन हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से स्कूल्स लिंक्ड है टाटा फुटबॉल अकेडमी से या फिर जमशेदपुर FC से। देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इनके अपकमिंग नेक्स्ट ट्रायल्स के बारे में आपको कुछ अपडेट दूंगा मैं, कि कब होंगे या फिर उसके मतलब अभी तक कुछ ट्रायल अपडेट आया है कि नहीं आया, उस सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। सो गाइज अगर आप सब लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो टाटा फुटबॉल अकेडमी के बारे में, सो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, एंड वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए बट आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको एंड तक देखना, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा था टाटा फुटबॉल अकेडमी के बारे में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जिससे कि आपको ऐसे अपडेट्स और भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाटा फुटबॉल अकेडमी के बारे में। सो TFA इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल अकेडमीज इन इंडिया। इंडिया की जो टॉप 5 फुटबॉल अकेडमीज है उसमें TFA का नाम आता है। एंड टाटा फुटबॉल अकेडमी में जितना भी खर्चा होता है प्लेयर्स का, कोचेस का, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सारा उठाती है टाटा स्टील्स कंपनी। एंड दोस्तों टाटा फुटबॉल अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है कि जिस अकेडमी से आप डायरेक्टली एक ISL क्लब में खेल सकते हो, जो कि है जमशेदपुर FC। जमशेदपुर FC टाटा फुटबॉल अकेडमी का एक सीनियर क्लब है, एंड काफी प्लेयर्स निकले हुए हैं टाटा फुटबॉल अकेडमी से जो कि जमशेदपुर FC में डायरेक्टली खेल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, कि आप अगर आप लोग एक अकेडमी से डायरेक्टली एक इंडियन सुपर लीग के क्लब में खेल रहे हो तो बहुत ही बढ़िया चांस है आप लोगों के लिए।
जो प्लेयर्स अपना फुटबॉल में कैरियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, उनके लिए टाटा फुटबॉल अकेडमी बेस्ट है। सो दोस्तों, सेकेंडली हम बात कर लेते हैं फैसिलिटीज के बारे में कि टाटा फुटबॉल अकेडमी में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है उसमें। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसमें एज कैटेगरीज क्या क्या है। सो जूनियर एज कैटेगरी में आता है अंडर 14 एंड अंडर 16 के प्लेयर्स, सीनियर एज कैटेगरी में आते हैं 16 से लेके 18 ईयर्स तक के प्लेयर्स। सो गाइस, फैसिलिटीज में सबसे पहले आता है आपकी ट्रेनिंग। आपको वहां पर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें कि आपकी हर एक चीज पर फोकस किया जाएगा। आपकी पासिंग हो गई, ड्रिबलिंग हो गई, स्किल्स हो गई, या फिर जितनी भी चीजें होती है, फर्स्ट टच हो गया, कंट्रोल हो गया, हर एक चीज पर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, जिन प्लेयर्स की जो एबिलिटीज है, जैसे वो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो गया, सब चीज पर फोकस किया जाएगा। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं फूड पे। आपको न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, बहुत अच्छी वहां पर फूड की फैसिलिटीज है, आपको काफी अच्छा फूड देंगे। आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा वो, मतलब जैसे कि अगर आपको जैसे मैच से पहले आपको कितना फूड लेना चाहिए, मैच के बाद कितना लेना चाहिए, कितने टाइम पहले लेना चाहिए, कितने आपको कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स कितना कंज्यूम करना चाहिए, विटामिन्स कितने कंज्यूम, मतलब यार वो हर एक चीज पे ना आपकी प्रोफेशनल डाइट होती है वहाँ, वो डिपेंड, वो आपकी मतलब एक डाइट प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फूड दिया जाता है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं कि उसमें एजुकेशन फैसिलिटीज में थर्ड नंबर पे आता है एजुकेशन, कि आपको वहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, उनके कुछ स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन है एंड वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन की। देन हम बात करते हैं वेकेशंस की, कि वहां पर वो कुछ टाइम का वेकेशंस भी देते हैं, साल में 2 से 3 हफ्ते का वेकेशन भी मिलता है जिसमें कि आप लोग अपने घर पर भी जा सकते हो। देन वहां पर आपकी इंटरनेशनल ट्रिप भी होती है, आपको बाहर भी लेके जाते हैं, हमेशा तो नहीं होता यार, हर साल नहीं होता, बट हाँ होता रहता है, इंटरनेशनल ट्रिप भी 2 या 3 साल में एक बार होता है, आपको इंटरनेशनल बाहर दूसरे क्लब्स में वहां पर आपको कुछ टाइम के लिए ले जाया जाता है, वहां पर आपको दिखाते हैं कि कैसी वहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है। सो ये सारी यहाँ पर आप लोगों को फैसिलिटीज मिलेगी टीएफए में अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो। सो गाइस, थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं उन प्लेयर्स के बारे में जो कि टीएफए से निकले हुए हैं एंड काफी फेमस प्लेयर्स है, जो बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, जैसे इंडियन सुपर लीग में या फिर इंडियन टीम में खेल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इनमें से काफी प्लेयर्स का नाम सुना भी होगा, जैसे कि हो गया संदीप मांडी, राफिक अली, रॉबिन सिंह, सुब्रतो पॉल, उदांता सिंह, विनीत राय, प्रणय हल्दर, नारायण दास, कमलदीप सिंह एंड विशाल यादव। एंड गाइस, जो मैं आपको बताता हूँ, जो विशाल यादव है, इसका इसी साल सिलेक्शन हुआ है, इसी सीजन में ये आईएसएल इंडियन सुपर लीग में खेल रहा है, जमशेदपुर एफसी से। ये भी एक टीएफए का प्लेयर था एंड टीएफए से जमशेदपुर में इसी साल आया है। सो आप देख सकते हो कितना बढ़िया, कितना मतलब कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, कि वो एक अकेडमी से सीधे एक इंडियन सुपर लीग के क्लब में खेल रहा है उसके लिए। एंड अराउंड अभी उसकी जो विशाल यादव, उसकी एज अराउंड 18 या 19 ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आप लोग देख लो कि 18-19 की एज में अगर वो आईएसएल में खेल रहा है तो कितना बढ़िया प्लेयर होगा वो। तो दोस्तों, फोर्थ नंबर पर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायल्स के बारे में, कि टीएफए कितने टाइप के ट्रायल्स कंडक्ट कराता है। तो वो 2 टाइप के ट्रायल्स कंडक्ट करता है। जो पहला ट्रायल है वो होता है सबके लिए ओपन होता है, मतलब जो अगर वो प्लेयर्स उस एज कैटेगरी में आता है जिसके लिए वो ट्रायल्स कंडक्ट करा रहे हैं, सो वो प्लेयर उसमें दे सकता है, जो कि मतलब नवंबर में हुआ था, 2017-18 में हुआ था, नवंबर से लेके मार्च तक हुए थे, 3 से 4 महीने ट्रायल्स चले थे, जिसमें कि मतलब पूरे इंडिया में ट्रायल्स हुए थे, बहुत सारी स्टेट में हुए थे, उसमें बहुत ही सारे प्लेयर्स आए थे गाइस ट्रायल्स देने, हर स्टेट से, अलग अलग स्टेट्स में जहां पर ट्रायल्स हुए थे वहां पर बहुत सारे प्लेयर्स गए थे ट्रायल्स देने। तो ये होता है ओपन ट्रायल, जिसमें कि कोई भी आ सकता है इस ट्रायल में। एंड जो सेकंड ट्रायल होता है वो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कुछ ही प्लेयर्स को बुलाया जाता है, सेलेक्टेड प्लेयर्स को, इसको बोलते हैं स्पेशल ट्रायल्स। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ सेलेक्टेड प्लेयर्स को क्यों बुलाया जाता है, कि गाइस एक्चुअली होता क्या है ना, जब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां प्लेयर्स का, वो होता है 3 साल से लेकर 4 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट उसमें होता क्या, जिसकी 2017 में जब ट्रायल्स हुए थे, सो उनका एक नया बैच आया था, एंड जब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर मानो बीच में कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता, सो वो अपने क्लब से उसको निकाल देते हैं एंड वो कुछ प्लेयर्स के लिए फिर से ट्रायल्स तो पूरे इंडिया में कंडक्ट नहीं करा सकते, इसलिए वो स्पेशल ट्रायल्स रखते हैं। मानो उनको कोई एक पर्टिकुलर गोलकीपर चाहिए या फिर कोई डिफेंडर चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो पूरे इंडिया में ट्रायल्स कंडक्ट कराएंगे, तो वो अपने एक स्पेशल ट्रायल रखते हैं, वो सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स को बुलाते हैं एंड देन उनका ट्रायल लेते हैं, उसमें से जो सेलेक्ट हो जाता है उसको वो अपनी टीम में रख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसका जो नेक्स्ट ट्रायल है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि वो ट्रायल कब हो सकता है। तो दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे हम बात कर लेते हैं सेलेक्शन प्रोसीजर के बारे में,
कि जो इनके ट्रायल्स होते हैं टाटा फुटबॉल एकेडमी में उसके क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो इनके ट्रायल्स हुए थे वो हुए थे नवंबर 2017-18 में, और 2017 नवंबर से लेकर 2018 मार्च तक, तो ये 4 से 5 महीने तक ये ट्रायल्स चला था। एंड उसमें क्या प्रोसीजर था सिलेक्शन का वो बता देता हूं। मानो अगर आगे आपके ट्रायल्स होते हैं TFA के, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, सो उसके बारे में एक बार देख लो। दोस्तों ये ट्रायल्स हुए थे नवंबर 2017 में, एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि जो प्लेयर्स 1 जनवरी 2002 से लेके 31 दिसंबर 2003 तक हुए हैं वही प्लेयर्स इसके लिए TFA में इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। एंड इसमें मिनिमम हाइट उस समय चाहिए थी 5.6 इंचेस, एंड मिनिमम वेट चाहिए था 55 kg। तो जो प्लेयर्स उसके लिए अप्लाई कर रहे थे उनके लिए ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी जो कि ट्रायल हुआ था 2017 में। एंड जहां पर ये ट्रायल्स हुए थे, अब आप देखो कितनी सारी स्टेट्स में ट्रायल्स हुआ था पूरे इंडिया में। तो ये ट्रायल्स हुए थे झारखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, केरला में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उड़ीसा में, मणिपुर में, असम में, बनारस में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी सारी जगह पर ये ट्रायल्स हुए थे। तो जब ये ट्रायल्स होंगे ना, तो मैं आप लोगों को जरूर अपने चैनल पर बता दूंगा, हमारे चैनल पर बने रहना, नेक्स्ट जो भी इनके ट्रायल्स आएंगे उसके बारे में मैं आप जरूर आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूंगा, आपको हमारे चैनल के जरिए मिल जाएगा। एंड इसमें जो उस समय डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ट्रायल्स के लिए वो भी आप लोग देख लो। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स है ये कंपल्सरी होते हैं। डॉक्यूमेंट्स चाहिए था बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एंड अपनी फुल प्लेइंग किट। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताई थी उस ट्रायल के समय, वो ये थी कि जो शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स होंगे, जैसे मानो दिल्ली में ट्रायल्स हो रहे हैं, हरियाणा में ट्रायल्स हो रहे हैं, तो हर जगह से जो जो प्लेयर्स शॉर्ट लिस्ट चुने जाएंगे उनको फिर उनको जमशेदपुर में बुलाया जाएगा, इनकी जो TFA की अकेडमी है वहां पर बुलाया जाएगा। एंड देन उनका फाइनल ट्रायल हुआ था अप्रैल एंड मई में 2018 के। एंड इसमें एक टेस्ट भी होता है जिसमें कि फिजिकल, टेक्निकल, इसमें बहुत सारी चीजें चेक होती है आपकी। एंड दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना, कि इसमें ना एक लास्ट प्रोसीजर होता है ट्रायल्स का। जैसे प्रोसीजर होता है ना सबसे लास्ट चीज, उसमें होता है कि प्लेयर्स की एज चेक की जाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा, मान कोई 18-19 का प्लेयर है, 18 ईयर्स या 19 ईयर्स का प्लेयर है, वो अपनी एज छोटी करा के अंडर 16 में खेलते हैं, नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना लेते हैं, सो उसका एक एज प्रूफ होता है, एक एज टेस्ट होता है जिसमें कि प्लेयर्स की एज पता चल जाती है। आई थिंक वो बोन से कुछ होता है, बोन टेस्ट होता है, देन उससे पता लग जाता है। सो गाइस ऐसा मत करना कि अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है एंड आप उसको कम लिखवा के अपने बर्थ सर्टिफिकेट में, देन आप ट्रायल्स के लिए चले जाओ, क्योंकि आप लास्ट एज में पकड़े जाओगे एंड आपको भी यार फिर पता है कि आप इतने आपने मेहनत करी, उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो बुरा लगता है। सो इसलिए पहले बता दूं, अगर आप उस एज कैटेगरी में नहीं आते तो ट्रायल्स के लिए मत जाना, अगर मानो जब भी इसके फ्यूचर में ट्रायल्स होते हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि 13 में से 5 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे, 8 प्लेयर्स लास्ट एज पे इसीलिए निकल गए थे क्योंकि उनका जो मैच था वो उस एज कैटेगरी में नहीं आते थे, वो ज्यादा बड़े प्लेयर्स थे एंड उन्होंने अपनी एज छोटी लिखवा के उसमें चले गए थे। एंड गाइज ये चीज है ना आपके फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है, आपको फ्यूचर में भी बैन कर सकते हैं आगे और अच्छे लीग्स में खेलने के लिए, तो ऐसी चीजें मत किया करो। सिर्फ इन्हीं के ट्रायल्स के लिए नहीं, मैं औरों के लिए भी बता रहा हूँ, और भी जो भी ट्रायल्स होते हैं उनमें सारी चीजें मत किया करो, अपनी एज कैटेगरी में ही खेला करो। सो गाइस 6th नंबर पे हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो है 0। आपको कुछ भी नहीं देना अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका रहना, आपका खाना, आपकी ट्रेनिंग, आपको जो भी खर्चे होते हैं सब फ्री है, सब। अगर आप TFA में सेलेक्ट हो जाते हो एक बार, सब बिल्कुल फ्री आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। सो गाइस 7th नंबर पे हम बात कर लेते हैं उन स्कूल्स के बारे में जो कि जमशेदपुर FC ने खुलवाए हैं। मतलब बहुत अच्छा चांस हो सकता है यहाँ से भी आप लोगों के पास। आप देख सकते हो ISL क्लब अगर स्कूल्स खुलवाता है तो वहाँ ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, फुटबॉल की, फुटबॉल स्कूल से सारे बहुत अच्छी फुटबॉल की ट्रेनिंग मिलेगी। सो वहां से भी आप लोगों के पास चांस हो सकता है कि आप काफी अच्छे लेवल पर खेल सकते हो। तो गाइज इन स्कूल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से स्कूल है। सबसे पहले आता है माउंट लिबरल जी स्कूल, सेकेंड पे आता है केरला समाजन मॉडल स्कूल, थर्ड पे आता है RVS अकेडमी, फोर्थ पे आता है DBMS हाई स्कूल, फिफ्थ पे आता है लॉयला स्कूल, सिक्स पे आता है कैरमल जूनियर कॉलेज, सेवंथ पे आता है हिल टॉप स्कूल, एट्थ पे आता है DPS DAV पब्लिक स्कूल, नाइन्थ पर आता है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल।
दोस्तों ये कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कि जमशेदपुर एफसी ने ओपन करवाया है, तो आप इन स्कूल्स में भी एडमिशन ले सकते हो। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से भी आप लोगों के पास कि आप अपना गेम इम्प्रूव कर सकते हो एंड काफी अच्छे लेवल पर खेल सकते हो। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं उस टॉपिक पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था काफी देर से कि उनके नेक्स्ट ट्रायल्स कब होंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लेयर्स के साथ जो कि अराउंड 4 साल का होता है, 3 से 4 साल का। सो हम देख लेते हैं कि जो इनके लास्ट ट्रायल्स हुए थे वो हुए थे 2017 में। सो उसके बाद अगर हम उनका देखें 4 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है 18, 19, 20 एंड 21। तो 21 तक उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अपने पुराने बैच के साथ, देन उनको एक अपना न्यू बैच चाहिए होगा। सो गाइस उस न्यू बैच का ट्रायल कब होगा? सो गाइस मैं इस चीज की श्योरिटी आप लोगों को नहीं दे सकता, बट मेरे को लगता है कि उनके 2020-21 में ट्रायल्स होंगे। 2021 में उनके ट्रायल्स होंगे। सो हो सकता है, मतलब काफी ज्यादा चांसेस है। अपडेटेड रहना हमारे चैनल पर, जब भी उनके ट्रायल्स होंगे मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। एंड गाइस एक और चीज कि मेरे को ना फेसबुक पे एक पोस्टर मिला था थोड़े दिन पहले, मैंने देखा था, वो टीएफए का था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें लिखा है कि जो टीएफए के ट्रायल्स आने वाले हैं। सो गाइस इस मैं पोस्टर ही कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा कि ये सच है झूठ है, मैं इसकी कुछ भी नहीं कह सकता, हो सकता है यार ऐसी फेक हो, बट हाँ एक चांसेस, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि ट्रायल्स हो सकते हैं 2021 में, क्योंकि पोस्टर में भी ऐसा था एंड मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि 2021 में उनके ट्रायल्स होंगे, क्योंकि उनको अपना एक न्यू बैच चाहिए होगा अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो ट्रायल्स हो सकते हैं 2021 में। सो हमारे चैनल से जुड़े रहना, आप लोगों को उसके अपडेट्स भी मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, क्योंकि जब भी कोई ट्रायल अपडेट मुझे पता लगेगा मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, देन आप लोगों को उसके बारे में पता लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो एंड तक देखी है ना, यहाँ तक देखी है, तो आप सब लोगों को थैंक यू। सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग हमारी वीडियो में इतनी देर तक रुके रहे। काफी बड़ी वीडियो हो गई आज की, बट यार क्या करूं, आप सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लानी थी, सब लोगों ने पूछा था टीएफए के बारे में। एंड दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो लाइक कर दी होगी एंड इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने में, क्योंकि इसमें जो वेबसाइट पर उनकी कॉन्टैक्ट नंबर थे एक भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग रहा था। आप लोगों को ही पता होगा, आप में से काफी लोगों ने उस पर कॉन्टैक्ट भी किया होगा, बट एक भी नंबर नहीं लगा था, सारे नंबर बंद है, कोई सा भी नंबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके बारे में काफी प्रॉब्लम हुई थी वैसे तो, मतलब इन्फॉर्मेशन ढूंढने में, बट उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, मुझे जितनी भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाई। सो दोस्तों इसको शेयर जरूर करना, एक मोटिवेशन मिलती है यार, आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा है अभी तक, आगे और भी सपोर्ट करो, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर जगह इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड गाइस बस ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहो एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है तो, एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करो जिससे कि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों अब हम ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी अपडेट्स लाते रहेंगे, तो अब हम चलते हैं एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कम ऑन इंडिया, लेट्स प्ले फुटबॉल।